वैसे तो देश में रोजाना कुछ ना कुछ नया होता रहता है, लेकिन कुछ खबरें या मसले ऐसे होते हैं या मामले ऐसे होते हैं जो कि वायरल हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही मामले पर नजर डाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, मैं हूं आपके साथ काजो। दरअसल हाल ही में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते के साथ वॉक करने वाले IAS अधिकारी संजीव खिरवार का तबादला कर दिया गया है। उन्हें लद्दाख भेज दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। आरोप है कि दिल्ली सरकार में रेवेन्यू विभाग के प्रमुख सचिव संजीव खिरवार त्यागराज स्टेडियम में डॉग वॉक किया करते थे। इससे वहां खेलने वाले खिलाड़ियों को दिक्कतें होती थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IAS संजीव खिरवार का तबादला दिल्ली से लद्दाख कर दिया। वहीं उनकी पत्नी और IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर भी अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट को तलब किया। लेकिन जरा सोचिए कि दोनों के तबादले अलग अलग कर तो दिए गए, लेकिन ऐसी खूबसूरत जगह पर जहां से किसी का वापस आने का मन नहीं करता। अब कुत्ता घुमाने की सजा तो इन्हें मिली है, लेकिन ये सजा कम और मजा ज्यादा दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ घूमना पसंद करते हैं। कुछ कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो अपने पद का फायदा उठाते हैं। यहाँ सभी अधिकारी नहीं आते, कुछ ऐसे अधिकारी आते हैं जिसका मैं जिक्र इस पूरे प्रोग्राम में कर रही हूँ। सिर्फ दिखावे के लिए सजा दी गई है। कुछ लोगों ने तो इस मामले पर मीम्स की झड़ी भी लगा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वो मीम्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो और मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के खबर में कहा गया था कि पिछले कुछ महीनों से शाम होते ही स्टेडियम में कब्जा जम जाता है। तो देखिए, इस मामले को अपने कैमरे में कैद करने के लिए कितने दिनों तक जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि उस समय वहां प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को और उनके कोचों को वो भगा देते थे। एक कोच ने बताया कि वो यहां 8 से 8:30 बजे तक ट्रेनिंग कराने आते थे, लेकिन अब शाम के 7 बजे स्टेडियम छोड़ने के लिए कहा जाता है, ताकि अधिकारी अपने जो पेट्स हैं वहां टहला सके। इस वजह से उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा है। IAS अधिकारी के निर्देश पर गार्ड को कई दिन स्टेडियम में सीटी बजाते हुए मैदान को खाली कराते हुए देखा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर IAS अधिकारी की खूब आलोचना होने लगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, ये मेरी नजर में आया था कि खिलाड़ियों को गर्मी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं और स्टेडियम 6 से 7 बजे बंद हो जाता है। हम निर्देश जारी कर रहे हैं कि सारी खेल सुविधाएं रात 10 बजे तक रहें और खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ये कहते हुए नजर आए कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्यागराज स्टेडियम में IAS अधिकारी कुत्ते को टहलाने के लिए खिलाड़ियों से मैदान खाली कराते हैं। हालांकि बाद में IAS अधिकारी संजीव खिरवार ने कहा कि जब तक स्टेडियम बंद हो जाता है तब मैं वहां जाता हूं, और वो रिपोर्ट भी आपके प्रेजेंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम डॉग को ट्रैक पर नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि मैं किसी एथलीट को स्टेडियम छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा। अब IAS दंपत्ति की तैनाती देश के 2 विपरीत छोरों पर हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि अब उनका कुत्ता कहाँ जाएगा। ट्विटर पर #dogwalkingIAS ट्रेंड कर रहा है, जिस पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने बागबान फिल्म के गाने मैं यहाँ तू वहाँ गाने के साथ मीम भी बना दिए हैं, और वो मीम्स आप प्रेजेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वो मीम्स हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये वो मीम जिसका जिक्र मैंने अभी किया। तो ये तस्वीरें हैं, कुछ लोग इस पूरी खबर पर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे बहुत सीरियस इश्यू बता रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी या इस तरह के IAS अधिकारी इस तरह से किसी भी चीज पर कब्जा नहीं कर सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो 1994 बैच के IAS अफसर खिरवार ने अपनी ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। हालांकि उन्होंने ये तो कबूल किया कि वो कभी कभी कुत्ते को वहां टहलाने जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया कि इससे एथलीट्स की प्रैक्टिस में रुकावट आ जाती है। आज इस पर ये प्रोग्राम इसलिए क्योंकि सवाल जनता का है, और हमारा मकसद है कि जनता के सवालों को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो जिम्मेदार हैं। अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, यानी कि अपने
जो पालतू पशु हैं उनको घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम या खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते या पूरा स्टेडियम खाली नहीं करा सकते। लेकिन ऐसे आरोप लगे, उसके बाद एक्शन लिया गया तो दोनों लोगों को, यानी कि दंपति को, जो आईएएस दंपति थे, उन्हें अलग अलग दो छोरों में, एक लद्दाख एक अरुणाचल प्रदेश, दोनों ही जगह ऐसी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, चर्चा बहुत हल्की है और बस ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आगे और क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं। मेरे मेहमान बुलरेश शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में योगेश सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गुलरेश जी बीजेपी नेता हैं। गुलरेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। गुलरेश जी, सबसे पहले तो ये मामला बहुत गंभीर भी है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत स्वाभाविक तौर पर ले रहे हैं, इस पर मीम्स बना रहे हैं, इसे ट्रेंड कर रहे हैं, इसको वायरल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक्शन को अब किस तरह से देखा जाए। देखिए, ये एक्शन जो ली गई है वो भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से इसलिए ली गई है कि एक व्यापक संदेश जाए। और भी एक्शंस हो सकती थी, दिल्ली में ही कहीं ट्रांसफर भी किया जा सकता था, सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जा सकती थी, लेकिन फिर यदि ऐसा होता तो अभी बैठकर आप और हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तो इसका मकसद, मूल मकसद यह था कि पूरे हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में एक संदेश जाए कि इस प्रकार की नौकरशाही कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगी। और ये विशुद्ध रूप से जो है ना मैडम, ये नौकरशाही ही है, जो जब नौकर अपने आप को शाह समझने लगता है तो ये लोकतंत्र का मजाक है, और ना केवल मजाक है बल्कि लोकतंत्र के चेहरे पर एक थप्पड़ है। तो ये बात सर्वव्याख्यात हो जाए, सभी आईएएस आईपीएस और स्टेट सर्विसेज के जितने भी अधिकारी हैं उनको समझ में आ जाए कि सरकार जो है वो बहुत सीरियसली लेती है ऐसी चीजों को, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और यदि और कुछ भी होता है तो और भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। गुलरेश साहब, लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने इस पर एक्शन लिया, लेकिन देखिए जिस पेपर ने खबर छापी है या जिस भी चैनल ने खबर छापी है उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि कई दिनों से ऐसा हो रहा था, वो अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें आग की तरह फैलने लगी, उसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे आईएएस अधिकारी, देखिए मैं सबका यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगी, या सब भ्रष्ट नहीं है या सिर्फ अपने फायदे के लिए सब ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान कर चुके हैं। आखिर कब तक ऐसा होगा? ब्यूरोक्रेसी की आप बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी क्या है, किस तरह से काम करती है, क्यों करती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन पर दी जाती है तो फिर ऐसा अपने फायदे के लिए क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जिस पत्रकार ने और जिस मीडिया चैनल ने इस चीज को एक्सपोज किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और यूं ही नहीं, मीडिया को चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, तो क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है, और लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ हो बिना मेहनत के, बिना त्याग के नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ से वे प्रशंसा के योग्य है, मैं उनका अपने दल की ओर से अभिवादन करता हूँ जिन्होंने भी इस चीज को एक्सपोज किया है। अब जहां तक देखिए, मेरे भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन 17 साल का हो चुका है, और 17 साल में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस अधिकारी भी होते हैं, और जिस प्रकार के अभी हमने देखा एग्जांपल वैसे भी होते हैं, उससे बुरे भी होते हैं। तो ये जो बुरे और इस प्रकार के हैं उनको हमको संदेश देना था, उनको संदेश दिया गया है। आप पूछ रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना मैडम, वो घोड़ा होता है जो समझता है कि उसके ऊपर जो चालक है घुड़सवार कैसा बैठा है। यदि घुड़सवार नरम हो या फिर घुड़सवार जो है वो, लेकिन आम जनता तो उसी को पॉइंट आउट कर रही है, उसी पर सवाल उठा रही है आम जनता, उसी पर सवाल उठा रही है। नहीं तो देखिए, कार्रवाई हुई ना, देखिए कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होते हुए नजर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, नहीं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि न्याय होना भी चाहिए,
जल्द होना चाहिए, होते नजर भी आना चाहिए, उसको सजा मिले वो सजा मिलनी भी चाहिए, जल्दी भी मिलनी चाहिए, मिलती भी नजर भी आना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए इबारत बने। ये इबारत बनाने के लिए किया गया है। ठीक है सर, कार्रवाई की गई, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई संदेह नहीं है कि कार्रवाई नहीं की गई है। योगेश सोनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। योगेश जी, आईएस दंपति, एक लद्दाख एक अरुणाचल प्रदेश, ये सजा है या मजा है? देखिए ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पैसा और सत्ता हर किसी से पचती नहीं, हर किसी पे जचती नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब कोई भी एक छोटी चीजों से या छोटे घरानों से या छोटे इलाकों से उसको आता है, उसको उस चीज को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। हालांकि इसमें 85% लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, चीजों में ढल जाते हैं, क्योंकि वो जो नौकरशाही है और वो जो एक रुतवा होता है SIPS के, एक वर्ग का, एक अधिकारी वर्ग का, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उनको बड़ा मुश्किल होता है पहचानना, उनको बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को समझना कि आखिर ये क्या चीज है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार इन चीजों पर एक्शन लेने लगी है। एक दौर ऐसा होता था, ऐसी तमाम घटनाएं हमने कवर करी है कि एक जरासी सी मतलब क्या आपको बेसिक छोटी होती है, एक सफेदी होने के कारण अगर किसी अगर उसने कर्मचारी ने मना कर दी, तो हमने वो एक दौर देखा कांग्रेस सरकार में कि उसको ये भी नहीं पता कि उसको 24 घंटे किस वजह से हवालात पे बिठाया गया। तो यहाँ अगर एक्शन होता है और सरकार के सामने जब बातें आती हैं, तो हमें खुशी इस बात की होती है इन चीज पे एक्शन लिया जाता है। सर सवाल आम जनता का ये है कि एक्शन लिया गया, खबर दिखाने के बाद एक्शन भरपूर तरीके से लिया गया है, दोनों को अलग अलग जगह पर भेज दिया गया। सवाल ये है कि उन खिलाड़ियों को कितना समय बर्बाद हुआ होगा, जब उन्हें हर बार हर शाम इस तरह से ट्रैक पर से हटा दिया जाता होगा और स्टेडियम को खाली करा दिया जाता होगा। इसके अलावा गारंटी, सर गारंटी क्या है कि दिल्ली वापसी नहीं होगी दोनों की? नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे इस रेंज में, इस नौकरी में, इस पेशे में, जरूरी नहीं है कि आपका एक जगह ट्रांसफर हो, ये कभी भी तय नहीं होता इस स्तर पे, इस लेवल पे आके। वैसे भी ऑलरेडी कहीं किसी का ट्रांसफर, कहीं किसी का ट्रांसफर, ये तो बहुत सौभाग्यवश वाली बात या एक चांस वाली बात होती है कि दोनों का एक ही शहर में ट्रांसफर हो जाए या वो वाली बात हो जाए। तो इसमें कहानी ऐसा नहीं है कि इसमें कि इनका ट्रांसफर इस वजह से हुआ है या मतलब इनका अलग अलग उस वजह से, ये ट्रांसफर तो बाय डिफॉल्ट स्पेशल में होता रहता है, इस बात में इसमें कोई कहने में कोई मतलब संदेह या परेशानी नहीं है। गुलरेज साहब कुछ कह रहे थे, गुलरेज साहब जी। गुलरेज, जो आपने एक प्रश्न किया ना अभी कि वापस क्या गारंटी है कि ये जो है वापस से दिल्ली नहीं आ जाएगी, तो एक चीज होती है CR, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अभी इनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो तो पब्लिक है। अब आप समझिए कि जो भी इनसे ऊपर, देखिए इनका निर्णय कौन लेगा, या तो मिनिस्टर लेगा या फिर जो है इनके ऊपर का अधिकारी लेगा। अब वो मिनिस्टर जो है वो चुनाव में जाता है, जब चुनाव में जाता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। जब मीडिया पूछेगा कि भाई आपने उन लोगों को प्रमोशन कर दिया जिन्होंने ये कर्तव्य किया था जनता के सामने, तो फिर उस वो कर नहीं सकता कोई भी मिनिस्टर बैठे, आज नहीं 10 साल के बाद भी। और फिर जो उनके ऊपर अधिकारी होता है, वो अधिकारी को मालूम है कि ओपन रिपोर्ट है इनकी यह, तो फिर वो अपना हक बचाता है। तो आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन मैंने एक बात ये देखी है, ये समाज की एक विकृति है मैडम कि ये तो IAS लोग हैं, और मैंने तो UPSC की जो तैयारी करते हैं उनको भी देखा है कि बहुत से उनमें से अपने आप को इस प्लेनेट का नहीं समझते, किसी और प्लेनेट का समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये यही सवाल है सर, यही सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी पर जो देश इतना विश्वास करता है, उस ब्यूरोक्रेसी की इमेज क्या रह गई है सर इस मामले के बाद, क्या रह गई? देखिए ब्यूरोक्रेसी की बात करें ना हम, तो मध्यकाल से लेकर तो आज दुनिया भर में, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में ये माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा टूल है जिस पर कंटिन्यू आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज कंट्रोल कर लिया तो वो कल अपना आप ठीक चलेगा। देखिए जो तालाब में मछली है वो कब पानी पीती है और कब नहीं पीती ये कोई नहीं जानता, तो वो तो पानी में तैरती हुई मछलियां हैं, आपको उनपे कंट्रोल करना होगा। तो थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं, आज मैंने भी एक मीम बनाया था इसके ऊपर, मैंने उस पर लिखा था कुत्ता बदनाम हुआ तुम्हारे लिए।
ऐसे तो बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं सर, और बहुत सारी फिल्मों पर भी मीम्स ऐसे बन रहे हैं, फिल्म के डायलॉग लेकर, फिल्म के सॉन्ग्स लेकर। लेकिन सिर्फ इस मसले को ना मजाकिया तौर पर ना लेकर हमें देश को एक संदेश देने की जरूरत है। वो संदेश बहुत कड़ा होना चाहिए। वो संदेश क्या हो सकता है सर? सरकार आपकी देखिए, ये अमित शाह जी नहीं सर, आप आपका प्रश्न आप पूछिए, मुझे लगा मेरे से पूछा, प्लीज प्लीज। अमित शाह जी और गृह मंत्रालय ने एक कड़ा संदेश दिया है, और ये संदेश ही है जो आपके जैसे प्रमुख बड़े चैनल के ऊपर हम आधे घंटे की बहस कर रहे हैं, और इस बहस को कई कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सुनेंगे, और शाम तक उनके ऊपर भी इसका प्रभाव आएगा, उनके सर्कलों में भी। यानी जो ऐसा करने की सोच रहे हैं वो अब सख्ते में आ जाएंगे, अब उन्हें लगेगा कि हाँ एक्शन लिया जाएगा, और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बहुत से सर, बहुत से पंख अपने आप उतर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और योगेश जी, आईएएस लॉबी के लिए क्या संदेश हो सकता है बहुत बड़ा? ये एक अहम सवाल है, और इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर तरीके से आपने पत्रकारिता को जिया है। देखिए संजीव खरवार साहब 1994 बैच के हैं, उनको एक अनुभव है, एक लंबे अनुभव के बाद यदि ऐसी चीजें सामने आती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण होने के बाद यदि इन सब चीजों के बाद सरकार एक्शन ऑफ प्लान में है इन चीजों को लेके, जैसे आपने कहा ना, इस मुद्दे को आप सीरियसली लेते हैं, ये मुद्दा छोटा है बड़ा है, कुछ लोग इसको हास्य तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि यही एक सबसे बड़ी लोकतंत्र की मजबूती है कि किसी के मन में ये गलत फहमी ना रहे कि वो आईएएस आईपीएस किसी भी उच्च बड़े पद पर है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको ये संदेश देना इसलिए जरूरी है कि आपकी एक छोटी सी एक मतलब उसको एक क्या कहें, एक तुच्छी छोटी गलती की वजह से हमारे देश के भविष्य पे फर्क पड़ता है, या हमारे जो जो खिलाड़ी है उनका समय जो किल होता है, अगर एक खिलाड़ी का आधा घंटा खराब होता है 100 खिलाड़ियों के 50 घंटे खराब होते हैं, 50 घंटे खराब होने का मतलब देश का एक महत्वपूर्ण समय खराब होता है। तो ये संदेश जरूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था। मैं प्रशंसा करूंगा यहाँ सरकार की, कुछ घटनाओं में सरकार जब इस तरीके का वो एक्शन लेती है तो वो काबिले तारीफ है, और यदि किसी को इस लॉबी को आईएएस आईपीएस लॉबी को यदि किसके सर पे दिमाग पे चर्बी चढ़ जाती है, उसको लगता है कि हम तंत्र प्रणाली के वो हिस्से हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये सरकार का उत्तर है उनके लिए कि यहाँ पर जो भी है आप नौकरशाही का मतलब आप नौकर हैं, आप ठीक है आप ग्रेट और अपडेट नौकर हैं, लेकिन आप हैं नौकर, आपकी तानाशाही या इस तरीके की घटनाएं वो नहीं चलेगी, क्योंकि इस लॉबी को सरकार ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी सुख सुविधाएं देती है। देश के युवाओं के लिए आखिरी संदेश आपका क्या होगा इस पूरे मसले को लेकर, जो भी आपने पूरा मसला बहुत बारीकी से पढ़ा सुना देखा? देखिए इसमें युवाओं को लेकर तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि उनके हर एक समय की कीमत होती है, यदि वो इस चीजों से कहीं शिकार होते हैं तो आज सोशल मीडिया का दौर है, वो अपनी बात रख सकते हैं, कोई उनके ऊपर नाजायज हक जमाने की कोशिश करता है, जरूरत करता है तो वो उसको बताएं, और अपने भविष्य के लिए किसी चीज के लिए कोई कंप्रोमाइज ना करे। आपको ऐसा महसूस होता है सरकार इस समय जागरूक है, बोलने और सुनने वाली सरकार है, दोनों काम उसके सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो अपनी बात रखे और अपने भविष्य को तय करे, और किसी से परेशान ना हो, घबराए नहीं, डरे नहीं, अपने अपने अस्तित्व को अपनी अपनी पहचान को बनाने के लिए वो कड़ी मशक्कत करे, आगे बढ़े। बिल्कुल गुलरेज साहब, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि चर्चा को मुझे खत्म करना होगा, आखिरी कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगी कि जो बच्चे या स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं आईएएस की, उनके लिए क्या संदेश होगा? इंसानियत मत भूलिए, इंसान बन के जियो, वो सबसे जरूरी है। देश आपको बहुत कुछ देता है और आगे भी देगा, आपको भी देश का सम्मान करना चाहिए, देश के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ में आपके व्यूअर्स को एक बात और कहूंगा, इन एक दो लोगों की वजह से या चुनिंदा लोगों की वजह से सारे आईएएस आईपीएस को आप बरामद समझिए, इनमें से अच्छे ब्यूरोक्रेट से तो ही ये देश चल रहा है। बिल्कुल सही, हर कोई गलत नहीं होता। गोलेज भाई ने बहुत अच्छी बात करी है, हम ऐसा कहेंगे एक बड़ा रेशू है जो मानवता इंसानियत और अपने एटिकेट्स पे जीता है, कुछ लोगों को चर्बी चले जाती है, ये की बात और ये बहुत सारे लोग हैं
मैंने आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हाँ अधिकतर लोग अच्छे हैं तभी हम चल रहे हैं, और हिंदुस्तान तो वैसी शक्तियों के आधार पे चलता है। चलिए ठीक है सर, मोहब्बत है तो ये चल ही रहा है। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बखूबी इस पूरे गंभीर मुद्दे को एक अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए और बताने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं ISIS की उनके लिए संदेश काफ़ी अच्छा एक मैसेज है कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं जो उच्च पद पर जाकर सोचते हैं कि हम मनमानी कर लेंगे या हम अपने हिसाब से सिस्टम को चला लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। आप पर एक्शन होगा जैसा कि इस पूरे मामले में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।